तो दोस्तों स्वागत है आप लोग का फिर से एक न्यू वीडियो के अंदर। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोग को कुछ स्टेप से अपने फोटो को एडिट करना सिखाने वाला हूँ, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख ही सकते हो। गाइस मैं इस वीडियो के अंदर दो तीन स्टेप के अंदर आप लोग को कुछ बहुत ही आसान तरीके से अपने चेहरे को स्मूथ करना सिखाने वाला हूँ। गाइस अगर इस वीडियो को आप कंप्लीट वॉच कर लेते हो ना, पक्का भी इस टाइप का फोटो एडिटिंग करना बहुत ही आप आसान तरीके से सीख जाएंगे। और मैंने बहुत ही ईजी तरीके से सिखाने की कोशिश की ताकि कोई भी आके इस वीडियो को देखे ना तो ईजिली सीख जाए। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर चैनल पर नए तो क्या चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साइड के बेल आइकन को ऑल प्रेस करता है कि मैं जब भी वीडियो लाऊं तो सबसे पहले आपको पता चले। तो चले गए आज के इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। ओके तो सो गए आप लोग को अपने फोटो को शेयर कर देने ऑटो स्केच बुक के अंदर। एंड आ जाने के बाद में सिंपल से आप लोग को लाइब्रेरी वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना, तो ये इस पर क्लिक कर देना। एंड क्लिक करने के बाद में आप लोग को बहुत सारे बोर्सेज मिल जाए, कौन से सेलेक्ट कर लेने आप लोगों में बता देता हूँ। नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे तो गाइस आप लोगों को लास्ट में कलर का ऑप्शंस मिल जाएगा, टूल्स मिल जाएगा। तो इसमें से आप नीचे से फर्स्ट नंबर वाले बॉक्स को सिलेक्ट कर लेना है। एंड करने के बाद में आप लोग को सेटिंग वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना, तो ये रहा सेटिंग पे क्लिक करना है। और आप लोग यहाँ पे कलर वाला ऑप्शंस मिल जाएगा बेसिक सेटिंग पे, तो इस पर क्लिक कर देना। और इसका मूड को चेंज कर लेना है, तो यहाँ पे मैं कर लेता हूँ, उसको समझ कर लेता हूँ। ओके अब करने के बाद में सेटिंग क्या रखना है आप लोग ये पूरी सेटिंग ध्यान से देखना है, इसके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो आप चाहो तो। एंड इसको ऐड कर लेना और यहाँ से कट कर देना है। ओके अब गाइस इतना कर देने के बाद में आप लोग अपनी फोटो को कुछ स्टेप से जूम कर लेना है। एंड यहाँ पे बिंदी वाला ऑप्शन मिल जाएगा आप लोग को, तो आप लोग इसे अपने फोटो के अकॉर्डिंग इसकी साइज को एडजस्ट कर लेना जैसे मैं कर रहा हूँ। एंड आप लोग अपने स्किन के ऊपर राउंड राउंड करके कुछ इस तरह से अपनी स्किन में इस बुर्ज को ड्रॉ कर देना, तो काफ़ी मस्त तरीके से आप लोग अपने चेहरे को स्मूथ कर पाएंगे। यहाँ पे देख ही सकते हो गाइस आप लोग मेरे लाइफ प्रूफ अपने चेहरे को काफ़ी मस्त तरीके से स्मूथ कर रहा हूँ और काफ़ी इजीली भी चेहरा स्मूथ और ज़्यादा दिक्कत नहीं आ रही आप लोग को। तो आप लोग भी कुछ स्टेप से अपने बुर्ज की साइज को एक ही साइज मत करना, कम ज़्यादा भी करते रहना है। तो आप लोग भी कुछ स्टेप से अपने चेहरे को काफ़ी मस्त तरीके से आसान तरीके से अपने चेहरे को स्मूथ कर सकते हैं। तो चले गाइस मैं इसको यहाँ से फटाफट कर लेता हूँ। ओके तो सो गाइस यहाँ से मेरा चेहरा काफ़ी मस्त तरीके से स्मूथ हो चुका है। एंड यहाँ पे देख ही सकते हो आप लोग काफ़ी मस्त चेहरा स्मूथ हो चुका है। एंड सिंपल से गाइस आप लोग एक काम करना है, आप लेयर वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, तो ये रहा लेयर वाले ऑप्शन पे जाना है, एक लेयर को बना लेना है। और बनाने के बाद में आप लोगों को कलर का ऑप्शन मिल जाएगा जस्ट इसके पास में, तो इस पर क्लिक कर देना है। एंड क्लिक करने के बाद में आप लोग यहाँ पे कलर को सिलेक्ट कर लेना है, क्या रखना है ये वाला कलर को रख लेना है आप लोग। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है इसका स्क्रीन का। एंड यहाँ से कट कर देना है और यहाँ से देना है बैक। फिर से गाइस आप लोगों को लाइब्रेरी का ऑप्शन मिल जाएगा, इस पर लाइव क्लिक करना है। एंड आप लोग यहाँ पे कौन सा बुर्ज को सिलेक्ट कर लेना है मैं बता देता हूँ आप लोगों को, तो ये वाला बुर्ज को सिलेक्ट कर लेना है, तो ये रहा इस पर क्लिक कर देना है। आर्ट्स वाले ऑप्शन पे जाना है, आर्ट्स वाले में तो ये वाला बुर्ज को सिलेक्ट कर लेना है, तो चलिए मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। एंड इसकी सेटिंग में क्या रखना है, ओबेसिटी कॉन्टेंट और साइज को अपने अकॉर्डिंग रख लेना है और यहाँ से कट करना है। फिर से आप लोग को लाइब्रेरी में जाना है एंड यहाँ से इसकी सॉफ्ट लाइट पर जाना है। एंड इसको यहाँ से सॉफ्ट लाइट कर दीजिएगा, तो ये रहा ऑप्शन, इस पर क्लिक कर देना है। एंड यहाँ से अपनी फोटो को जूम करना है एंड कुछ इस तरह से अपने स्किन के ऊपर इस बुर्ज को ड्रॉ कर देना है पूरी स्किन के ऊपर, तो जैसे जहाँ जहाँ पे आपकी स्किन दिख रही है ना वहाँ वहाँ पे आप लोग पूरी स्किन के ऊपर इस बुर्ज को ड्रॉ कर देना है। तो चलेगा जिसको भी मैं फटाफट से कर लेता हूँ। ओके तो सो गाइस आप लोग अच्छी तरीके से अपने चेहरे को आप एक कलर को ऐड कर लेना। एंड करने के बाद में आप लोगों को लाइब्रेरी वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है और लाइब्रेरी में जाना है और इसको ओबेसिटी को हल्का सा कम कर देना है ताकि फोटो और ज़्यादा अच्छी दिखने लगे अपनी। तो इतना कर लेता हूँ मैं एंड यहाँ से थोड़ा सा और कर लेता हूँ एंड यहाँ से डन कर देना। तो यहाँ पर मेरे फोटो देख दो काफ़ी मस्त फोटो एडिटिंग हो चुकी है। अब आगे अपने बैकग्राउंड का कलर को चेंज करने के लिए, तो मैं उसका कलर को कहाँ पर करूँगा, लाइट रूम एप्लीकेशन के अंदर। तो सिंपली इस फोटो कहाँ पे डॉट का ऑप्शन मिल जाएगा ऊपर साइड, तो इस पर क्लिक करके शेयर वाले ऑप्शन में जाना है। एंड इस पर क्लिक करेंगे तो आप लोग कहाँ पे वेदर वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है एंड इस फोटो को यहाँ से शेयर कर देना है लाइट रूम एप्लीकेशन के अंदर। ओके तो सो गाइस मैं आज को अपने लाइट रूम मोबाइल एप्लीकेशन के अंदर एंड आ जाने के बाद में आप लोगों को कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले आप लोगों को लाइट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है, तो ये रहा, तो मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। एंड ये रहा लाइट वाला ऑप्शन, तो सिंपली आप लोग इस पर क्लिक कर देना है। एंड क्लिक करने के बाद में एक्सपोजर को कुछ छेड़ जाने के लिए कंट्रास्ट को हल्का सा इंक्रीज कर लेना है
और लाया लाइट को डिक्रीज कर देना है इतना लगभग इतना, एंड शेडो को भी इंक्रीज कर लेना है थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, एंड नीचे ना ब्लैक होल का सा कम कर लेना है। ओके, नेक्स्ट आप लोगों का एक कलर वर्क का ऑप्शन मिल जाएगा, इस पर क्लिक करेंगे, एंड क्लिक करने के बाद मिक्स कलर वाले ऑप्शन मिल जाएगा तो इस पर क्लिक कर देना। एंड आप लोग सेचुरेशन को डिक्रीज सॉरी इंक्रीज कर लेना सेचुरेशन को, यहाँ पे देख सकते हो सेचुरेशन इंक्रीज कर रहे हैं, यहाँ पे रेड हो रहे हैं, यहाँ पे देख सकते हो। एंड यहाँ पे लुमिनस को भी हल्का सा डिक्रीज कर देना। ओके, नेक्स्ट आप लोग इस वाले कलर्स में जाने सेचुरेशन को डिक्रीज करेंगे ना तो आप लोग का चेहरा पे देख सकते हो स्मूथ हो रहा है। ये वाला टूल है ना आप लोग को सेकंड नंबर वाला टूल, ये अपना पूरा चेहरे के ऊपर होता है, चेहरे को वाइट करने के लिए बना हुआ है, ऑलरेडी आप लोग कहीं पे भी देख सकते हो आप। तो यहाँ पे देख सकते हो मेरा चेहरा काफ़ी मत ज़्यादा और वाइट हो रहा है, तो मैं इतना कर लेता हूँ। एंड आप लोग इसकी सिचुएशन को डिक्रीज येलो वाले की भी और ग्रीन वाले की भी सिचुएशन को डिक्रीज कर देंगे तो मेरा बैकग्राउंड आल्ट वाला फोटो मेरी पूरी ब्लैक एंड वाइट हो चुकी है, देख ही सकते हो आप लोग। तो सेकंड कलर से जाना है, इसी सिचुएशन को भी डिक्रीज कर देना एंड इसकी भी सिचुएशन को डिक्रीज कर देना। मैं अगर इंक्रीज करूँगा तो यहाँ पे देख सकते हो मेरे बालों पे येलो येलो सा आ रहा है, तो कलर अच्छा नहीं लग रहा है, तो इसलिए मैं आप लोग को ब्लैक इसकी भी सिचुएशन को डिक्रीज कर देना ताकि ब्लैक ब्लैक से फाड़ दिखे, देख सकते हो मैच हो चुका है। एंड इन दोनों को भी सिचुएशन को डिक्रीज कर देना। ओके, अब यहाँ से डन कर देना गाइज। नेक्स्ट आप लोग का इफेक्टर टूल्स मिल जाएगा, सॉरी नेक्स्ट गाइज आप लोग को यहाँ पे इफेक्टर टूल्स मिल जाएगा, सिंपली आप लोग इस पर क्लिक कर देना। एंड क्लिक करने के बाद थोड़ा सा क्लैरिटी को ऐड कर लेना, लगभग मैं 30 के आसपास रख लेता हूँ। एंड नेक्स्ट आप लोग को डिटेल का ऑप्शन पर क्लिक करके शार्पनिंग को इंक्रीज कर लेना और नोआ डिक्शन को इंक्रीज कर लेना और डन यहाँ से। नेक्स्ट गाइज आप लोग यहाँ पे इस वाले ऑप्शन पे जाना है, ओबेसिटी वाले ऑप्टिन, इन दोनों ऑप्शन को ऑन करेंगे तो जैसे आप ऑन करेंगे तो आपकी फोटो काफ़ी HD के अंदर इतनी खतरनाक एडिटिंग होकर आएगी जाएगी ना जो आपने सोची ना होगी। गाइज बस इस फोटो के अंदर मैंने अपने हेयर को ऑयल पेंट इफेक्ट डालना नहीं सिखाया, इस पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी, आप मेरे चैनल पर जाके उसको वीडियो को भी देख सकते हो और ऑयल पेंट इफेक्ट डालना सीख जाएंगे। तो आई होप कि वीडियो पसंद आए, इसको सेव करने के लिए सिंपली आप लोग शेयर वाले ऑप्शन पर क्लिक करके एंड ऐसे सेव टू डिवाइस इस फोटो का ऐसे सेव कर लेना। आई होप कि गाइस आज की वीडियो पसंद आए, अगर पसंद आए ना थोड़ी सी भी तो वीडियो को लाइक करें बिना मिस जाना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। ओके।